ब्रसेल्स में आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। मेलबैक मेट्रो स्टेशन पर 22 मार्च को हुआ था हमला। आज नहीं होगा हरीश रावत सरकार का बहुमत परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक। अब 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज, टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच होगी टक्कर। मुंबई में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया को बड़ा झटका, इंजरी की वजह से युवराज टीम से बाहर। मनीष पांडे को मिला मौका। और टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी मात। 3 अप्रैल को कोलकाता में होगा फाइनल मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल आज और कल। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। जय श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी हंसी के बारे में। जी हां, बेहद खास विषय जो कि आपकी बताएगा पर्सनालिटी, क्योंकि हंसी सीधा आपके ग्रहों से जुड़ती है। और आखिर अलग अलग तरह की हंसी से किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी झलकती है, इस बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हंसी जो है बहुत अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोग ठहाके लगा लगा के हंसते हैं, कुछ लोग मन बंद कर हंसते हैं। आखिर क्या कुछ वजह है और ये सीधा हंसी आपकी पर्सनालिटी पर क्या कुछ असर डालती है, ये पूरी जानकारी लेंगे अपने आचार्य जी से। पहले स्वागत कर लेते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत ही खास विषय हंसी के बारे में, क्या कुछ जानकारी आज हम देंगे अपने दर्शकों को। बिल्कुल ऋतिका, देखिए सबसे पहले आप ये समझें कि जो मुस्कुराहट है आपकी, जो हंसी है, जो खिलखिलाहट है, इसके साथ आपके ग्रहों का संबंध कैसे होता है। किस ग्रह के कारण आप किस प्रकार से हंसेंगे, ये पहले से ही निर्धारित हो जाता है। जब आप जन्म लेते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, उसी के साथ चलती है आपकी हंसी, आपकी खुशी। बहुत ज्यादा प्रसन्न होने पर आप हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं, अपने व्यक्तित्व के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। और बहुत ज्यादा गम जब आता है तो भी कई लोग हंसने लग जाते हैं। कैसे आप हंसेंगे, दांत दिखेगा, ठहाका लगाएंगे, मंद मंद मुस्कुराएंगे, होठों को बंद करके हंसेंगे, आंतरिक हंसी कैसे होती है, यह हंसी क्या बताती है आपके विषय में, आप वस्तुओं को, चैलेंजेस को किस प्रकार से टैकल करते हैं, लेते हैं, बहुत कुछ रहस्य इसमें छिपा है। किन ग्रहों का संबंध आपकी हंसी से होता है। बंद मुख करके हंसना अर्थात मन मन मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कुराना, यह किस ग्रह से संबंध रखता है। बहुत जोर से हा 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 करके हंसना, यह किस ग्रह से संबंध रखता है। या बस हल्के से मध्यम हंसना, आवाज ना निकाल के हंसना या आवाज निकाल के हंसना, सब कुछ किसी न किसी ग्रह से कनेक्टेड है। अब जब ग्रह की बात आ ही गई तो इसका कुछ फल भी तो मिलेगा। क्या है इसका फल, बताएंगे हम आपको किस प्रकार से आपकी हंसी आपके भविष्य के लिए एक दर्पण की तरह कार्य करेगी। बताते हैं, आप सबको जज कर लेंगे, हर किसी को समझ लेंगे कि सामने वाले के मन में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ अब हम किचन पिटारा का चर्चा कर लें। यदि आपसे हर कोई दूर जाने लगा है, कोई आपके करीब नहीं आना चाहता है, तो आज यह किचन पिटारा बहुत मदद करने वाला है। कोई आपसे दूर नहीं जा सकेगा।
बिल्कुल, यानी कि हर तरह की हंसी से आज हम राज उठाएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि आपकी जो हंसी है किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें लकी अक्षर के बारे में। जी हाँ, ये है लकी अक्षर, जो कि कुछ ही देर में आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इन अक्षरों के जरिए आप अपने सफल कामों को और ज्यादा निखार सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें रक्षा कवच के बारे में। जी हाँ, आपकी सुरक्षा के बारे में भी हम आपको रोज बताते हैं, तो नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चलिए, आज के दिन जब आप कहीं पर यात्रा आदि के लिए निकल रहे हैं, तो आपको अगर चिंता हो रही कि आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, नोट कर लीजिएगा। सीधे हाथ के अंगूठे से अपने कंठ को छूकर ओम क्लीं ह्रीं मंत्र एक बार पुनः आप देखें। ओम क्लीं ह्रीं का 7 बार जाप करिए, ऐसे ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, इस तरह से जाप करके फिर आप निकलिएगा। 7 बार करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और कल के दिन दही और हल्दी मिक्स कर लें, मिला लें, और अपने मस्तक पर इसका टीका लगा करके, तिलक लगा करके, और फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, तो ये था रक्षा कवच, जो कि पूरी जानकारी आचार्य जी ने दी, और इस रक्षा कवच के जरिए आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे मिशन सक्सेस की। जैसा कि आप सबको पता है कि परीक्षा यानी कि बोर्ड की परीक्षा खत्म होने वाली है, लेकिन आपका हर मोड़ पर साथ देना हम भूलते नहीं है। और आपको सफलता के बारे में चलिए बताते हैं कि क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिसके जरिए आपके दिए गए एग्जाम्स के परिणाम अच्छे आए। जब आप अपने मिशन में सफल हो जाते हैं, सक्सेस पा जाते हैं, तो भी आप हंसने ही लगते हैं, खूब खिलखिला के हंसते हैं, पुष्प की तरह खिल जाते हैं। कैसे आप आज के किसी भी मिशन को सक्सेसफुल बनाएं, इसके लिए एक उपाय, 3 बूंद गंगा जल अपने सर पे गिराते हुए फिर आप निकलिएगा। अपने बालों पर गिरा लीजिएगा गंगा जल की 3 बूंदें, और फिर आप घर से प्रस्थान करिए। मात्र इतना सा प्रयोग शनि को शांत करेगा, चंद्रमा को बलवान कर देगा। कल के दिन एक सादे कागज पर 3 बार स्वास्तिक बनाइएगा और तुलसी की पत्ती उसके साथ रख दीजिएगा। कागज को फोल्ड करें, मोड़ लें और अपने पास रख लें। फिर आप घर से निकलिए। जब शाम को आप वापस आए तो तुलसी की पत्ती का प्रयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं और कागज को पूजा स्थान पर भी रखा जा सकता है। बिल्कुल, चलिए आपने ये जाना मिशन सक्सेस के बारे में, और अब अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं आचार्य जी, जो कि हमारा बेहद खास विषय हंसी के बारे में। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जब हम हंसते हैं तो हमारे दांत दिखते हैं। हाँ। कुछ लोगों के ज्यादा दिखते हैं, कुछ लोगों के कम दिखते हैं, आखिर क्या कनेक्शन? बिल्कुल, हमारे भी दिखते हैं, आखिर क्या कनेक्शन है इनका ग्रहों से, प्लैनेट से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप ये जानिए, पहली हंसी जो हमने कंसीडर किया है, हंसते हुए दांतों का दिखना, दांत दिखना नेचुरल है। लेकिन अगर आप खुल के हंस रहे हैं तो ही दांत दिखेंगे। अगर आप होठों को चिपका करके बिल्कुल बंद मुस्कुराते हैं, उसे हम मंद मुस्कान कहेंगे, तो उसका फल तो हम बाद में बताएंगे। पहले दांतों के दिखने से किन ग्रहों का संबंध है, और फिर फल क्या मिल सकता है, भविष्य दर्पण क्या कहता है, भविष्य कथन क्या कहता है, इसको जानते हैं। चंद्रमा और शुक्र में दृष्टिगत संबंध होते हैं अगर आपकी कुंडली में, तो हंसते हुए दांत 100% दिखेंगे ही। ये देखिए, ये पहली चीज हमने बताया, चंद्र शुक्र के मध्य संबंध होना दांतों का दिखना तय करता है। इसे हम मध्यम श्रेणी की हंसी कहते हैं, ये बहुत अच्छी श्रेणी की हंसी में नहीं आता। ऐसे लोग वस्तुतः स्पष्ट वक्ता होते हैं
और साथ ही साथ परिवार को साथ लेकर चलते हैं। इनके लिए रिश्तों का महत्व होता है। ऐसा नहीं कि भाई को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, मां को छोड़ दिया, पति या पत्नी को, कुछ नहीं। हर किसी को एक सूत्र में पिरोना इनकी फितरत में होता है। थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। भाई होना भी चाहिए स्वार्थी, हम अपना हित नहीं चाहेंगे तो दूसरा हमारा हित कैसे चाहेगा। तो स्वार्थीपन को हम बहुत नकारात्मक नहीं मानते। एन केन प्रकारेण अपना स्वार्थ सिद्ध कर ही लेते हैं, दूसरों से ज्यादा मतलब ये नहीं रखते हैं। इनकी अपनी एक दुनिया है, इनका अपना एक कुनबा है, अपना एक कुटुंब है, उसके अंदर अपने आप को बांध के रखते हैं, ज्यादा सरोकार नहीं रखते हैं। आप मिल गए, हाय हेलो कर लिया, प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, हाल चाल पूछ लिया, उसके बाद आप हटे सामने से तो भूल जाएंगे। ये नहीं कि फिर दोबारा फोन कर लें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कंजूस, कंजूसी स्वभाव भी इनके अंदर होता है। पैसे को संभाल कर रखते हैं, अनावश्यक खर्च नहीं करते और आवश्यक खर्चों से भी भागते ही हैं। वस्त्र अच्छे चाहिए और परफ्यूम्स अच्छा, अर्थात सुगंध अच्छा, इसके भी ये शौकीन होते हैं। ये कुछ दांत दिखने वाली हंसी के स्वामी और स्वामिनी लोगों का विषय हमने लिया। आगे हम बताएंगे, अगर हंसते हुए आपका कहीं से भी दांत ना दिखे, मंद मंद मुस्कुराए या बहुत ठहाके मार के हंसते हैं आप, तो उसके पीछे क्या है रहस्य, क्या है राज, हर राज आज खुल रहा है। बिल्कुल, अभी फिलहाल एक राज खुला है जिसमें कुछ लोगों के दांत दिखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी क्या कुछ होती है, उनके बारे में आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सुमन जुड़ गई है अंबाला से। सुमन, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर, पूछिए अपना सवाल, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप। हेलो जी सुमन। हेलो जी सुमन, पूछिए अपना सवाल। जी आचार्य जी बताइए। सुमन जी। हेलो सुमन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ बताकर प्रश्न करिए। कंचन जी नमस्ते, आचार्य जी नमस्ते, श्री राधे। बिल्कुल सुमन, सुमन जी मैं आपके साथ रितिका हूँ। अच्छा रितिका जी, हाँ जी, पूछिए अपना सवाल, पूछिए अपना। आचार्य जी प्रणाम, आशीर्वाद जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 1995। 24 सितंबर 95। समय बता दे। 11:20 दिन का, रात का, रात का। कहाँ का? अंबाला कैंट। अंबाला कैंट। हाँ प्रश्न करिए अब जी। हम अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरा बेटा बीकॉम फाइनल ईयर है। अच्छा, उसका उसका करियर किस चीज में बनना है, उसके भाग्य के बारे में, उसका नौकरी है सरकारी या प्राइवेट या बिजनेस है। बिल्कुल सुमन जी, देखिए कुंडली इसकी राहु की महादशा की है और अभी इस समय मिथुन लग्न इनका और कन्या राशि है। सरकारी नौकरी के संकेत थोड़े से कम दिखाई देते हैं लेकिन बैंकिंग सेक्टर इनके लिए बेस्ट रहेगा। आपने बताया भी बीकॉम कर रहे हैं ये। बुध और शुक्र एक साथ है, अमावस्या की रात का जन्म है, कई प्रकार के मानसिक कष्ट इनको प्रकृति प्रदान करेगी और एक कष्टदायक विषय थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को भी लेकर के रहेगा। बाकी प्रोफेशनली बच्चा आपका बहुत साउंड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा और पूर्णिमा के दिन कच्चा दूध और गंगा जल मिक्स करके शिवलिंग पर अभिषेक करवाइएगा। बस दो उपाय करिए, शुभकामनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने जन्म तिथि के बारे में बताया कि उसका भविष्य क्या होगा, क्या हंसी के जरिए भी हम बता सकते हैं? बिल्कुल बताया जा सकता है, हंसी के जरिए बहुत कुछ बताया जा सकता है, पूरा व्यक्तित्व उसमें छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात रितिका जी कि ग्रहों का भी संबंध हंसी से है जी। भाई कोई ठहाका मार के हंसता है, क्यों हंसता है ठहाका मार के, मंद मंद भी मुस्कुरा सकता था। तो ये सारा खेल है तो ग्रहों का, और जहां ग्रह जुड़ेंगे वहां ग्रह फल भी मिलेगा, भविष्य फल भी होगा। बिल्कुल, चलिए और ज्यादा जानकारी भी देंगे आपको हंसी के बारे में। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर झलक देखिए आज 2:30 बजे के कार्यक्रम की। जी हाँ, 2:30 बजे के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जन्म गुरुवार को हुआ है तो आपके अवगुण और गुण क्या कुछ होंगे, यानी कि आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में आज 2:30 बजे के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।
अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर सर्वे नंबर 311/18 जनसेवा बैंक के सामने न्यू DP रोड ससानी नगर हड़पसर पुणे 411028 ईमेल kisancoop@gmail.com। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कल आज और कल में हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय यानी कि हंसी के बारे में, जो कि हर कोई हंसता है। कुछ लोग मंद हंसते हैं यानी कि कम हंसते हैं, कुछ लोग ठहाके लगा लगा के हंसते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी जानकारी दे रहे हैं आचार्य जी। आचार्य जी, ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी कि जो जोर जोर की हंसते हैं, जिनके दांत दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी आखिर क्या कुछ है। अब हम बात करेंगे मंद हंसना यानी कि कम हंसना, जिनके दांत नहीं दिखते हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी। बिल्कुल, देखिए मंद हंसना अर्थात मन ही मन मुस्कुराना, यह अपने आप में एक वैसे तो कला ही मैं कहूंगा, लेकिन किन ग्रहों से ऐसा हो रहा है यह जानना बहुत अनिवार्य है। ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा यह भी आपको जानना चाहिए। देखिए दो चीजें हैं, चंद्रमा शुक्र और बुध, तीन ग्रह चंद्रमा बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह यदि शनि देव के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसे में आप मंद मुस्कुराते हैं। बिल्कुल मंद मुस्कुराना, हल्का हंसना। अब फल क्या है इसका, अब इसका फल क्या है, देखिए बहुत कुछ बातों को ये गोपनीय रखते हैं। शनि का संबंध हुआ तो तुरंत गुप्तता आ गई, सिक्रेशी आ गई, अर्थात बिल्कुल गुप्त रखने वाली चीजें। ऐसे लोग खुलते बिल्कुल नहीं है, आप चाहें कि इनको उकसा करके कुछ इनके अंदर से निकाल सकें आप, तो भैया ये किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 300 ग्रहों पर शनि का आधिपत्य है, ग्रिप है। जीवन में निजी मामलों को लेकर के ऐसे लोग बहुत दुखी और परेशान रहते हैं, पहाड़ रहता है इनके अंदर दुखों का, लेकिन शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। प्यार में अक्सर धोखा पाते हैं, मोहब्बत के मामले में बेहद अनलकी होते हैं। कारण यहां पर शनि की दृष्टि जो शुक्र पर पड़ रही है, स्पेशली पुरुष, खासतौर पर पुरुष लोग, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा ये बात लागू नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, पैसे के मामले में लक्ष्मी की अनुकंपा इन पर कूट कूट कर भरी रहती है, खूब कृपा दृष्टि रहती है लक्ष्मी माँ की, धनवान रहते हैं, धन बल से परिपूर्ण रहते हैं। सदैव कुछ गुप्त चिंता इनको सताती रहती है, मस्तिष्क में इनके तमाम तरह की गुप्त चिंताएं एक साथ उमड़ घुमड़ करती रहती है। संभवतः इसीलिए ये खुल के हंस नहीं पाते, खुल के जी नहीं पाते। जीवन में बहुत स्लोली ये आगे बढ़ते हैं, तेजी इनके अंदर नहीं रहती है, बहुत धीरे धीरे आगे जाते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। धार्मिकता तो होती है इनके अंदर, लेकिन दिखावा नहीं करते कि हम बहुत धार्मिक हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से 5 घंटा मंदिर में बैठ करके ही बिताने लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे हंसी वाले लोगों को हम शुभ मानते हैं, बहुत अशुभ नहीं है, ये मध्यम से थोड़ा अपर लेवल की हंसी है, अच्छी कही जा सकती है। ठहाका मार के हंसना या बाल सुलभ मुस्कान में मुस्कुराना, क्या है इसके पीछे की कहानी, जानना चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ, आगे इसी पर चर्चा होगी।
बिल्कुल, तो दो तरह की हंसी के बारे में आचार्य जी ने आपको बताया, लेकिन आचार्य जी अपनी हंसी के बारे में भी मैं पूछूंगी कि कुछ एंगल्स होते हैं, आर्टिफिशियल हंसी देनी पड़ती है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या कुछ है और क्या कुछ पर्सनालिटी होती है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है लकी कॉलर से बात करने का, तो चलिए उन्हें कॉल मिलाते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं आखिर उनका सवाल क्या कुछ है। जी लकी कॉलर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल और बताइए कहाँ से आप बोल रही है, डेट ऑफ बर्थ। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल और अपना नाम बताइए। प्रणाम आचार्य जी। जय श्री राधे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्रुति दीक्षित है और हम लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं। सुची श्रुति दीक्षित, श्रुति दीक्षित बहुत बहुत बधाइयां और खूब सारी शुभकामनाएं, आप लकी कॉलर बनी है श्रुति जी। थैंक यू सो मच आचार्य जी। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन करके, महसूस कैसा कर रही हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है आचार्य जी। और कौन सी वाली हंसी आ रही है, कौन सी वाली हंसी आ रही है, दांत खिलखिला के हंस रही है? बड़ी वाली हंसी आ रही है, दांत खिलखिला के हंस रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। किसके विषय में जानना है? हमें अपने बारे में जानना है आचार्य जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1994 और टाइम है 6:35 AM जी। और मेरा डेट ऑफ प्लेस है लखीमपुर खीरी यूपी। हाँ, अब करिए प्रश्न, करिए श्रुति। आचार्य जी हम बीटेक कर रहे हैं और मेरा फाइनल ईयर है, मेरा प्रश्न गवर्नमेंट जॉब को लेकर है, मेरी जॉब कब तक लगेगी और हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो क्या हमें सफलता मिलेगी उसमें, और आचार्य जी आपके अनुसार मेरे लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा रहेगा जिसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आचार्य जी हमारी मैरिज लाइफ के भी बारे में प्लीज बता दीजिए। कुछ और पूछ लो। चलिए, श्रुति कुंडली आपकी तुला लग्न की है, लग्न में ही शुक्र सूर्य राहु और बृहस्पति चार ग्रहों की चौकड़ी है। सूर्य जहां पर नीच राशि का है लेकिन शुक्र के साथ युत होना यह अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है। नीचस्थ सूर्य का यहाँ पर नीच भंग राजयोग निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ दशम भाव में मंगल चंद्रमा की उपस्थिति भी आपके जन्मांक को सबल कर रही है, यहां भी नीच भंग राजयोग हो रहा है। श्रुति आप अपनी कुंडली के हिसाब से IPS बन रही हैं, रिकॉर्ड करिए हमारी आवाज को, यहां पर मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, दुनिया भूल जाइए, बस फोकस कर दीजिए इस समय अपनी स्टडी पर, अपने अध्ययन पर, अपनी अध्ययनशीलता पर, कुछ भी याद ना रहे, अर्जुन की तरह सिर्फ IPS अर्थात जैसे उन्हें चिड़िया की आंख दिखती थी केवल, और संधान लगाया और चिड़िया को मार गिराया था, बिल्कुल आपको भी एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए, 0% भी किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। बच्चे मेरे मस्त रहिए, नाखून छोटा रखिए, बाल लंबे रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बाकी कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्यारी कुंडली है, दाम्पत्य जीवन के लिए आपने प्रश्न किया था, करेंगे कभी उस पर भी चर्चा, फिलहाल आप अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, चलिए श्रुति जी ये उपाय कीजिए और ज्यादा कुछ उपाय नहीं है, बस अच्छे से आप रहिए और आपके एग्जाम्स, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। चलिए अब बात करते हैं राहु काल की, यानी कि वो समय हम आपको बताते हैं जिसमें आप कोई भी सफल काम ना करें, तो नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। एक ऐसा वक्त जब शुभ कामों के लिए शास्त्र मना कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, वो वक्त है राहु काल का, आज के दिन आपके समक्ष 1:30 से ठीक 3 बजे तक न करिएगा कुछ, कल कर लीजिए, कल के दिन का 10:30 से 12 बजे तक, इसमें भी आपको शुभ काम नहीं करना चाहिए, काम आपके बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए राहु काल के बाद अब बात करते हैं गुलिक काल की, यानी कि वो समय हम आपको बताते हैं जिसमें आप सभी शुभ काम कर सकते हैं, तो नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल। आज का गुलिक काल का समय है कार्यक्रम के ठीक बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, और कल का गुलिक काल रहेगा सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक, इस बीच में भी आप समस्त शुभ काम कर सकते हैं, कार्य आपके बन जाते हैं। तो चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको बता दें कि कल 8 बजे हम आपके लिए खास क्या कुछ लेकर आएंगे। कल 1 अप्रैल है आचार्य जी, जैसे कि सबको पता है, और
बहुत सारे लोग किसी को मूर्ख बनाते हैं, तो उस मूर्खता से किस तरीके से लाभ उठाया जा सकता है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि कभी कभार होता है कि हमारे भोलेपन का भी पूरी तरीके से लोग फायदा उठा लेते हैं, तो उसके बारे में आपको बताएंगे कल सुबह 8 बजे। तो फिलहाल देखिए उसकी एक झलक, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का 2 छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। ब्रसेल्स में पीएम मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म, आतंकवाद के सामने ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा भारत। ब्रसेल्स में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। कहा दुनिया को भारत में दिखता है आशा की किरण, तेजी से विकास कर रहा है भारत।
आज नहीं होगा हरीश रावत सरकार का बहुमत परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक। अब 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई।